स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झा रेडी केयर में। तो आज की वीडियो में देखेंगे, चलिए बड़ी इंतजार के बाद सिलेबस आखिर आ ही गया। झारखंड सरकार द्वारा जारी हो गया है सिलेबस 22-23 के लेकर, टर्म वन और टर्म टू कहिएगा एक बार, और सिलेबस इससे कुछ दिन पहले बताएं तो वो क्या था, तो वो भी सिलेबस था लेकिन वो बर्मा प्रेस वाला सिलेबस था, उसमें बताए भी थे, वो बर्मा प्रेस वाला था, बोर्ड एग्जाम का नहीं था ना। बर्मा प्रेस एग्जाम जो लेता है स्कूल लेवल का एग्जाम, पहला टर्म और दूसरा एग्जाम, जिससे एक एग्जाम 13 तारीख से है, 13 सेप्टेम्बर से, तो वो सब एग्जाम में कहाँ कहाँ क्वेश्चन आएगा वो उसके लिए सिलेबस था। बर्मा प्रेस जो एग्जाम लेता है स्कूल वाला एग्जाम, लेकिन जब झारखंड बोर्ड एग्जाम लेता है, जैक बोर्ड, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो एग्जाम लेता है, वो बोर्ड एग्जाम लेता है, तो पहले तो एक एक होता था बोर्ड एग्जाम, लेकिन पिछले साल से तो 2 टर्म कर दिया, टर्म वन और टर्म टू। तो ये टर्म वन में कितना आएगा और टर्म टू में कितना आएगा, ये झारखंड अधिविद्य परिषद वाला ये सिलेबस है। टर्म वन में क्या पढ़ना, टर्म टू में क्या पढ़ना, वो ठीक है। तो चलिए, 9 क्लास का 10 11 12 ये 4 क्लास का आया है, 9 क्लास 10 11 12 सभी का अलग अलग 4 वीडियो में चारों क्लास का अपलोड। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ है, अगर आप चैनल नए हो तो बता दें कि ये चैनल है क्या, 6 to 10 आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिलेगा, मैथ और साइंस स्पेशल हम पढ़ाते हैं। तो चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, पूरा झारखंडी भाषा में अगर मैथ और साइंस को सीखना है तो, पढ़ना नहीं, पढ़ाई तो कोई भी पढ़ा देगा, हम सिखाते हैं। मैथ अगर बढ़िया से सीखना है पूरा अपनी भाषा में, पूरा झारखंडी भाषा में बढ़िया से एकदम समझना है, उदाहरण दे दे करके समझाने का प्रयास करते हैं, तो बढ़िया से एकदम हंसते खेलते मैथ और साइंस को पढ़ना है, मैथ और साइंस को सीखना है, एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करनी है, तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पर 6 to 10 है ना, 6 to 10 कोई भी क्लास में आप, चाहे कोई भी बोर्ड हो, लेकिन झारखंड बोर्ड स्पेशल, GCERT का जो बुक है, NCERT बुक, जो भी झारखंड में चलता है, जैसा भी एग्ज़ाम होता है उस हिसाब से झारखंड के सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पे पूरा क्लास करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कर लीजिए ज्वाइन, जरूर से जरूर हो जाइए सब्सक्राइब करके और रेगुलर क्लास करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी क्लास का आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलेबस को। चलिए हिंदी सबसे पहले देखेंगे, हिंदी ए क्षितिज और कृतिका है, तो क्षितिज में क्या पढ़ना है, सूरदास, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, उत्साह, अटल नहीं रही, तो ये टर्म वन, इधर वाला टर्म वन है, इधर वाला टर्म टू, ठीक है। तो पहले टर्म वन, टर्म टू कभी नहीं देखिए तो गड़बड़िएगा, टर्म वन में ये सब पढ़ना है जो भी बोले। फिर गद खंड में आएंगे तो स्वयं प्रकाश, राम वृक्ष, बेनीपुरी, यशपाल, ये सब है, कृतिका स्पर्श वाला था ये क्षितिज वाला। फिर कृतिका में आवेंगे तो कृतिका में माता का आँचल पढ़ना, जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ना है, और व्याकरण में आवेंगे, व्याकरण में तो क्रिया भेद, अकर्मक, सकर्मक क्रिया, अनेकार्थी शब्द, अव्यय पढ़ना, समुच बोधक, वाक्य भेद पढ़ना, मिश्र वाक्य, समास, अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, ये सब समास पढ़ना है। फिर कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, अपठित बोध, गद्यांश, पद्यांश, यानी कि 2 पैसेज रहेगा, वो किताब वाला पैसेज रहेगा, वो बाहरी पैसेज रह सकता है, ठीक है। तो ये रहा टर्म वन, अभी तक जो पल बोले वो टर्म वन, अब टर्म टू में आते हैं, टर्म टू में आ गए। टर्म टू में क्षितिज में पढ़ना है नागार्जुन, यह दंतुरित मुस्कान फसल, राज गिरिराज कुमार माथुर, छाया का छाया मच्छुना, ऋतुराज का कन्यादान, और मंगलेश डबराल का संगतकार, ये चैप्टर वाला हुआ। गद में आएंगे तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुन्नी भंडारी, यतीन्द्र मिश्र, और ये रहा मतलब क्षितिज का। कृतिका में आवेंगे, कृतिका में आने आते हैं तो साना साना हाथ जोड़ी, एक एक को पढ़ना है कृतिका बस, हाँ। फिर व्याकरण में आएंगे, व्याकरण में पढ़ना है देखिए अव्यय, ये सब प्रकार है, पूरा पढ़ना है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समास का भी प्रकार पूरा है। फिर निबंध लेखन, पत्र लेखन आएगा, फिर विज्ञापन लेखन भी आएगा, अपठित बोध मतलब ये पैसेज है, गद्यांश और पद्यांश माने कविता टाइप का भी और कहानी टाइप का भी पैसेज, ठीक है। तो ये रहा हिंदी का, अच्छा और भी है का, हाँ हिंदी बी का अब देखते हैं, ठीक है। अब हिंदी ए का हो गया, हिंदी बी स्पर्श नाम है किताब का, टर्म वन में क्या पढ़ना है देखिए, स्पर्श और संचयन है, तो स्पर्श में कबीर पढ़ना है, मीरा पढ़ना है, बिहारी लाल पढ़ना है, मैथिली शरण गुप्त पढ़ना है, सुमित्रानंद पंत पढ़ना है, उसके बाद गद खंड में आएंगे तो प्रेमचंद पढ़ना है, प्रेमचंद लीलाधर
मंडलोई पढ़ना है, निंदा फाजली पढ़ना है, फिर संचयन में आवेंगे, संचयन जो किताब है उसमें, तो मिथिलेश्वर गुरदयाल सिंह, व्याकरण में आवेंगे तो उपसर्ग प्रत्यय संधि शब्द पद और पदबंध में अंतर ये सब पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना, उसके बाद अपठित गद्यांश पद्यांश यानी पैसेज है ये, ठीक है। ये रहा टर्म वन। टर्म टू आते हैं हिंदी बी का, टर्म टू तो ये रहा हिंदी बी का टर्म टू में। टर्म टू में पढ़ना है वीरेन गंडवाल डंगवाल, वीरेन डंगवाल है, कैफी आजमी रविंद्रनाथ ठाकुर, उसके बाद फिर गद में आएंगे तो रविंद्र के लेकर हबीब तदवीर, ये सब राइटर का नाम लिखा होगा है ना, देख लीजिएगा। फिर संचयन में आएंगे तो राही मासूम रजा, फिर एक चैप्टर पढ़ना है इसमें भी, और फिर व्याकरण में आएंगे तो व्याकरण में संयुक्त वाक्य रचना और फिर पैसेज, ठीक। तो हिंदी में कम लग रहा है। संस्कृत में आते हैं, संस्कृत में देख लीजिए टर्म वन इधर है, पढ़ लीजिएगा। सूची पर्यावरण बुद्धि बरलवलती सदा का कहा है लिखल, ये टर्म वन में, इधर टर्म टू, ठीक है। टर्म वन टर्म टू, फिर टर्म वन और भी है उतने में नहीं रहेगी, इधर ग्रामर सब पूरा डिटेल से दिया हुआ है संस्कृत, ये रहा टर्म वन वाला, इधर टर्म वन वाला है बाबू, ठीक है। अरे 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 किधर गई, इधर टर्म वन वाला है, ठीक है। अब देख लीजिए स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए, ये टर्म वन का इधर पार कर दे रहे, ये पूरा टर्म वन का इधर वाला, इधर वाला रो टर्म वन, टर्म वन का है, ठीक है। और भी पार कर दे रहे ये इतना था टर्म वन, उसके बाद टर्म वन, इधर टर्म वन का हो गया कंप्लीट। टर्म टू का एक बार शुरू से दिखा दे रहे हैं, टर्म टू में एक तो ये रहा, ये सब किताब का होगा, उसके बाद ग्रामर में क्या पढ़ना पूरा एकदम लिखल डिटेल से देख लीजिए पूरा, ये हुआ। फिर आगे बढ़ा दे रहे हैं समास से ले लीजिए स्क्रीन शॉट, समास पढ़ते आए और ये सब बहुत भयानक, संस्कृत में बहुत ज़्यादा दे दिया है लगता है। हाँ चलिए आगे देखते हैं, ये मैथ, मैथ में रियल नंबर पढ़ना है, पढ़ा चुके हैं बाबू हैं, पॉलीनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैथवा देख लीजिए। टर्म वन में रियल नंबर पढ़ना पढ़ा चुके हैं, पॉलीनोमियल मतलब बहुपद पढ़ा चुके हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दो चर वाले रैखिक समीकरण ये भी पढ़ा चुके हैं तीसरा चैप्टर, उसके बाद चौथा चैप्टर भी पढ़ना है, चौथा में पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जो कि नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। एपी शुरू किए थे शायद और नहीं पढ़ना का कि छोड़ दिए थे, लेकिन पढ़ना है तो अभी टर्म वन के हिसाब से पढ़ाएंगे अब, ठीक है। अब पूरा इस सिलेबस से पढ़ाएंगे तो एपी होगा, फिर ट्रायंगल त्रिभुज जो है छठा चैप्टर, फिर सर्कल दसवां चैप्टर, फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इतना सा पढ़ना टर्म वन के लिए। और अभी हम चल रहे हैं आठवां चैप्टर, आठवां चैप्टर टर्म टू में पढ़ना है, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, तो खैर पढ़ना था ही है ना, अभी पढ़ोगे कल पढ़ो, तो अभी पढ़ चल रहा है, हमको लगता है एक चैप्टर बाकी है तो उसको, एक एक्सरसाइज बाकी है तो उसको ख़त्म कर ही लेंगे, उसके बाद फिर इधर टर्म वन वाला जो है बाकी पूरा आराम से तैयारी होगा, टेंशन नहीं लेना, ऐसा नहीं सोचिए कोर्स कंप्लीट होगा, कोर्स बहुत पहले टर्म वन तक ही पूरा कोर्स कंप्लीट करा देंगे और एग्जाम का पूरा एकदम एमसीक्यू सब बढ़िया से तैयारी कराएंगे, ठीक है। घबराना नहीं है और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको 6 to 10 मैथ साइंस स्पेशल झारखंडी भाषा में पूरा झारखंड वासियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल में नए हो तो, और प्ले लिस्ट में चल जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सभी क्लास का मैथ साइंस मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा टर्म वन में क्या पढ़ना, टर्म टू में पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चौथा चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने निर्देशांक ज्यामिति सातवां चैप्टर, निर्देशांक ज्यामिति हाँ निर्देशांक ज्यामिति सातवां चैप्टर में, हाँ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आठवां चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद सम अप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये 9 चैप्टर है, कंस्ट्रक्शन ये 11 चैप्टर है, फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये हमको लगता है 13 चैप्टर है, हाँ 13 चैप्टर है, स्टेटिक्स 14 चैप्टर है, ये 15 चैप्टर, ठीक है। तो ये सारा चीज़ पढ़ना है, इसी के आधार पे पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर फिजिक्स साइंस में आवेंगे, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन पढ़ना, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार पढ़ना, ये दो फिजिक्स में पढ़ना है टर्म वन के लिए। टर्म टू में आएंगे तो फिजिक्स में विद्युत पढ़ना है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा का स्रोत पढ़ना है, ठीक है। तो फिजिक्स नहीं शुरू हुआ है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी टर्म वन में जितना पढ़ना है, और बायोलॉजी चल रहा है, केमिस्ट्री कंप्लीट करा दी है, ठीक है, बायोलॉजी चल रहा है, उसके बाद फिजिक्स में आएंगे। तो ये रहा टर्म टू का सिलेबस, फिजिक्स का टर्म वन का दोनों का हो गया। केमिस्ट्री में आएंगे तो केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पढ़ना है, अम्लक्षारक और लोहन पढ़ना है, धातु अधातु पढ़ना है, ये टर्म वन के लिए। टर्म टू में कार्बन और उसके यौगिक और तत्वों का आवर्त वर्गीकरण,
ठीक है। तो टर्म वन में जो पढ़ना है वो पढ़ा चुके हैं, टर्म टू का पढ़ाएंगे। अभी बायोलॉजी चल रहा है, ठीक है, केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, जय परक्रम पढ़ना है टर्म वन में, बायोलॉजी का खत्म करा दिए हैं, कल ही खत्म हुआ है, बस इसका क्वेश्चन आंसर देना है, कल मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। जीव जनन कैसे करते हैं, नहीं हुआ है तो हो जाएगा, कल क्वेश्चन आंसर जय परक्रम का करा के जीव जनन कैसे करते हैं वो शुरू करेंगे। फिर प्राकृतिक संसाधन का संपोषित संबंध ये पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगला जो टर्म होगा उसमें नियंत्रण एवं समन्वय, यह सातवां चैप्टर, अनुवांशिक एवं जैविका सी, फिर हमारा पर्यावरण, ये चीज़ पढ़ना है, ठीक है। तो साइंस हो गया। हिस्ट्री में आवेंगे तो टर्म वन में पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय खत्म हो गया है, भारत में राष्ट्रवाद शुरू करना है। फिर सेकेंड टर्म में आवेंगे तो भूमंडलीकृत विश्व का बनना पढ़ना, औद्योगिकरण का युग पढ़ना, फिर मुद्रण संस्कृति एवं आधुनिक दुनिया पढ़ना है सेकेंड टर्म में। फिर सिविक्स में आवेंगे, सिविक्स में सत्ता की साझेदारी, संघवाद, लोकतंत्र एवं विविधता, जाति धर्म और लैंगिक मसले, ये पढ़ना है टर्म वन में। टर्म टू में पढ़ना है जन संघर्ष और आंदोलन, राजनीतिक दल, लोकतंत्र के परिणाम और लोकतंत्र की चुनौतियाँ, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ज्योग्राफी में आवेंगे तो ज्योग्राफी में पढ़ना है संसाधन और विकास, वन और वन्यजीव और संसाधन, जल संसाधन पढ़ना, फिर कृषि पढ़ना, ये चार चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद टर्म टू में आवेंगे तो खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ, ये पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक समावेंगे तो टर्म वन में विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ना है, टर्म टू में मुद्रण और शाख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता अधिकार, ये चीज पढ़ना है, ठीक। उसके बाद ये कॉमर्स एसीटी ऐसा कोई सब्जेक्ट है तो अगर वो सब्जेक्ट होगा तो टर्म वन में भूमिका पढ़ना है, प्रारंभिक अवधारणाएं पढ़ना है, लेखा के प्रकृति तथा नाम एवं जमा के नियम पढ़ना है, और रोजना मचा का है उसको पढ़ना है। टर्म टू में खाता बही पढ़ना, नगद लेन देन का लेखा तथा खतौनी करना पढ़ना है, फिर तलपट पढ़ना है, ठीक। और फिर एक कॉमर्स का और एक बुक है कॉमर्स का, बीएसटी, अगर ये अगर सब्जेक्ट होगा तो भूमिका पढ़ना पहला टर्म, वितरण के विभिन्न माध्यम पढ़ना है, व्यापारिक लेन देन का अवधारण पढ़ना है, व्यावसायिक प्रतिनिधि बनना है, ये टर्म वन। टर्म टू में गोदाम और भंडार पढ़ना है, माल का परिवहन और बीमा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी में आते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में टर्म वन में ये सब पढ़ना है, देख लीजिए एक बार, ए लेटर टू गॉड, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, नेल्सन मंडेला, ए टाइगर इन द जू, द थीफ स्टोरी, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, हिज फर्स्ट फ्लाइट पार्ट टू, द बैक एरोप्लेन, ये सब। फिर नौ नंबर में हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स और द मिड नाइट विजिटर, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रेंक और अमांदा, ए क्वेश्चन टू ट्रस्ट ऑफ ट्रस्ट, ये सब हो गया। उसके बाद और भी है, द 100 ड्रेसेस एनिमल्स फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, ये अगला किताब का नाम, सीन पैसेज, किताब का नाम है तो बीच में डाल देता का है, इसे समझ में आता पैसेज फिर रहेगा, फिर अनसीन पैसेज, मैंने देखा पैसेज और बगैर देखा पैसेज रहेगा, ठीक है, फैक्चुअल जो भी है पैसेज रहेगा। फिर लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर यानी एप्लीकेशन वाला, फिर इनफॉर्मल यानी दोस्त भाई बहन के पास लेना, लव लेटर या कोनो लेटर, ठीक है, ऐसा वाला को इनफॉर्मल कहते हैं। पैराग्राफ माने क्या होता है, एसे, निबंध, टेंस पढ़ना है, सीक्वेंस ऑफ टेंस पढ़ना है, मॉडल्स पढ़ना है, नॉन फाइनाइट क्लॉज, रिवीजन तो कराइए देंगे, टेंशन नहीं, अंग्रेजी का नहीं बाबा, अंग्रेजी का नहीं करें, मैथ साइंस, अंग्रेजी का टीचर खोज रहे हैं कोई, अगर देखिए आपका एक मिली थी लेकिन थोड़ा सा परेशानी है। सेकेंड टर्म पढ़ना है 100 ड्रेसेस, द 100 ड्रेसेस, फिर क्या है, ग्लिम्पेसेस ऑफ इंडिया पार्ट वन, ए बेकर फ्रॉम गोवा पार्ट टू, ये देख लीजिए क्या है, द ट्रीज पढ़ना है, फिर द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट पढ़ना है, मिस बिल द अट्टर का ना हम कहीं मजीबुल खान लिखल तो इसको पढ़ना है, फोक पढ़ना है, द नेकलेस पढ़ना है, मदन राइट्स द बस, ये पढ़ना है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, द हैग ड्राइवर, द सरमन एट बनारस पढ़ना है, द एनी ग्रिगोरी भोली पढ़ना है, और भी का और है बहुत है। फिर द प्रोपोजल पढ़ना है,
द बुक दैट सेव्ड द अर्थ पढ़ना है, ऑडियो वीडियो इंटरेक्टिव टॉक टॉक ये क्या है उसको पढ़ना है, कन्वर्सेशन पढ़ना है, डायलॉग डिस्कशन ये सब कन्वर्सेशन मतलब, रोल प्ले शॉर्ट स्पीच एंड स्केट्स, इंटरव्यू पीपल पर्सनैलिटीज, सीन पैसेज अनसीन पैसेज यानी पैसेज पूरा रहेगा पैसेज, फिर लेटर राइटिंग इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और ये क्या है ट्रांसफॉर्मेशन रिविजन, रिविजन तो करना ही है। उर्दू में आते हैं, उर्दू में टर्म वन का ये लाइन है, टर्म वन में देखिए क्या पढ़ना है, देखिए ध्यान से, नवाए उर्दू किताब का नाम है भोला भोला, फिर दूसरा है नया कानून, उसके बाद सर सैयद का बचपन पढ़ना है, फिर चोरी और उसका कफारा, चोरी और उसका कफारा पढ़ना है, फिर पढ़ना है चकबस्त, क्या है चकबस्त, लखनऊी चकबस्त और लखनऊी, गज़ल है सौदा, गज़ल है जोक, उसके बाद गज़ल है किसका अवंडवी, ये क्या है देख लीजिए, जलवा दरबार, जलवा दरबार दिल्ली, हकीकत हुस्न पढ़ना है, फिर पढ़ना है अवदेश से आने वाले बता, आए आओ आए देश से आने वाला होगा कि आओ है अवदेश से आने वाला बता, चल जो भी है इसको पढ़ना है, फिर रबाई इन अनीस ये किताब आप पढ़ते हैं तो आप जानते होंगे क्या है गुलजार उर्दू, दोनों उर्दू से आता है, गुलजार उर्दू भी पढ़ना है, अच्छा तब नवाए उर्दू और गुलजार उर्दू दोनों से एग्जाम में आता है, तब बोलता है सिलेबस एग्जाम में बाहर से क्वेश्चन दे देता है, तो दो को किताब पर पढ़ाया जाता है, एक को किताब पर बाहर से नहीं लगेगा, यहाँ देखिए गुलजार उर्दू भी लिखा हुआ है, मतलब गुलजार उर्दू से भी क्वेश्चन आएगा, और ऊपर लिखा हुआ था नवाए उर्दू, मतलब दो उर्दू जैसे हिंदी दो गो इंग्लिश दो गो, तो उर्दू का है कौन दो रहेगा, नवाए उर्दू है, यहाँ दोनों उर्दू पढ़ना है बाबू, देख लीजिए कौन उर्दू से कौन कौन चैप्टर उसको देख लीजिए, ठीक है कहाँ पर था नवाए उर्दू, हाँ किधर गया ऊपर नवाए उर्दू और फिर ये गुलजार उर्दू, गुलजार उर्दू ठीक है, गुलजार उर्दू में गुल्ली डंडा, फिर फकीर पढ़ना है, फिर आई सी एस का लिखा है वो पढ़ना है, सखी पढ़ना है, फिर इका है उसको पढ़ना है गुदड़ी का लाल की का, उर्दू अदब की तारीख ये पढ़ना है, उर्दू अदब की तारीख एजाज़ो अर्तका ये पढ़ना है, उर्दू अफसाने का इर्तका ये पढ़ना अफसाना, फिर कवायद में देखिए फेल और उसके किस में पढ़ना है, ये क्या है सुना ये क्या है उसको पढ़ना है, फिर ये क्या है उसको पढ़ना है, चलिए देख लीजिए आप पढ़ लीजिए, मुहावरा भी आएगा है ना, तो ये इतना सा हो गया, ये टर्म वन, टर्म टू में आते हैं, टर्म टू कहाँ से शुरू है बहुत लंबा है, टर्म टू देखिए नवाए उर्दू से भीख है ना, हाँ और ये क्या है देख लीजिए औरतों का हुकूक है का, और ड्रामा आजमाइशा फिर ये है मखलूत जो भी जुबान, उसके बाद फिर इस्तहारात ज़रूरत नहीं माहौल बचाए, गज़ल है साद अजीमाबादी का, फिर है गज़ल ये किसका है फ़ानी दवा दे बदायूनी, फ़ानी बदायूनी, फिर गज़ल है यास जो भी है, फिर नज़्म पढ़ना है, नज़्म में है गर्मी और देहाती बाज़ार, और फिर नज़्म है आंधी, फिर रबाई है ये क्या है तलोक चंद मरहूम इन्ना लिल्लाह वाला कौन है, रबाई फराक है, गुलजारे उर्दू फिर है, गुलजारे उर्दू भी पढ़ना है, मतलब गुलजारे उर्दू पढ़ना है
अन देवता, दो फरलन, जो भी है पढ़ ली बाबू, पढ़ ले बाबू मैया, जो भी है पढ़ ले। टाइम देखिए देखिए देखिए, ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा, हम पढ़ते नहीं रहेंगे। देख लीजिए देख लीजिए, ये गोल गोल करते रहे, ये सब टर्म टू का है। ठीक है, चलिए चलिए, उर्दू और है। अरे बाबा, उर्दू अदब की तारीख, ये सब उर्दू अदब की तारीख में ये सब पढ़ना है, ये सब देख लीजिए। तस्बी, तस्बीह का है, मुहावरा पढ़ना, फिर वाहिद जमा पढ़ना है। ठीक है, चलिए, इरा मतलब ख़त्म कहानी है ना। तो ये इतना सा पढ़ना है, उम्मीद है समझ में आएगा सिलेबस। सिलेबस समझ में आए तो लाइक और कमेंट करिएगा। वीडियो काम का होगा, लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और इस चैनल में तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। इस चैनल में आपको पूरा एग्जाम की अपडेट, खास करके झारखंड, झारखंडी है तो झारखंड का पूरा फोकस रहता है, और पूरा एग्जाम की तैयारी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी बिना किसी शुल्क का, बहुत ही सिंपल भाषा में। कहीं ट्यूशन व्यूशन कोचिंग वोचिंग स्कूल छोड़ियो दीजिएगा कल से जाना, तो भी बड़ा पार हो जाएगा इस चैनल से जुड़े रहने से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चल रहा जो क्लास, वो सब क्लास लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।